महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को फिर से महाराष्ट्र पहुंचे। पीएम मोदी का पिछले 5 दिनों में ये तीसरा महाराष्ट्र दौरा है। सबसे पहले पीएम ने चिमूर में जनसभा की, इसके बाद वो सोलापुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पुणे में भी महायुति उम्मीदवार के पक्ष में पीएम एक चुनावी रैली करने वाले हैं। 2 दिन पहले ही उन्होंने अकोला और नांदेड़ में जनसभाओं को संबोधित भी किया था, जबकि 8 नवम्बर को पीएम ने धुले और नासिक में रैलियां की थी। महाराष्ट्र में मोदी ने इन सभी 4 रैलियों में एक है तो सेफ है का नारा दिया है। ऐसे में नारों के सहारे महायुति महाराष्ट्र में चुनावी नैया को पार लगाने की कोशिश में भी लगी हुई है। जरा ग्राउंड जीरो पर क्या अभी फिलहाल फील है, कैसा माहौल है, उसको जरा समझ लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्विनी पांडे हैं, उनसे जरा जानते हैं कि आखिरकार ये जो नारों की पॉलिटिक्स है वो कितनी ज्यादा जोर शोर पकड़ रही है और लोगों में कितना घर कर रही है। अश्विनी जरा बताइए, अब एक है तो सेफ है ये बीजेपी की तरफ से नारा आ रहा है। हमने तो देखा था कैसे यूपी के सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे नारा के चलते पॉपुलर हुआ वो, लेकिन क्या ये जो एक है तो सेफ है का नारा महाराष्ट्र में जो लॉन्च किया गया है ये पॉपुलर हो रहा है? जी देखिए, एक है तो सेफ है कि पहले ही योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में भी ये नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इसके बाद जब प्रधानमंत्री जो है अपने चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए महाराष्ट्र पहुंचते हैं तो उन्होंने एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा दिया। बटेंगे तो कटेंगे नारा को लेकर लगातार जो है उस पर आपत्तियां दर्ज की जाती रही, चुनाव आयोग तक मामला गया। इसके अलावा अखिलेश यादव ने एक तरह से ये फैलाने की कोशिश करी कि पूरी तरह से निगेटिविटी से भरा हुआ नारा है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने आके उस नारे से एक कदम आगे गए और उन्होंने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये ऐसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी के उस जो है उनकी जो एक तरह से कोशिश रही है जाति में लोगों को बांटने की, राहुल गांधी पर ये आरोप जो है बीजेपी लगाती रही कि ये जाति में लोगों को बांट रहे हैं, हिंदू मुसलमान से इतर हटकर ये जातियों के किसी को ओबीसी, किसी को ब्राह्मण, किसी को ठाकुर, इस तरह की जातियों में बांटने की कोशिश जो है राहुल गांधी कर रहे हैं और उसी के तहत वो जातीय जनगणना की भी बात करते हैं, तो उसी को काउंटर करने की एक कोशिश जो है बीजेपी की है जिसमें बटेंगे तो कटेंगे, इसके अलावा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारे दिए गए और जिसको भारी चर्चा इस वक्त महाराष्ट्र में है। आपको बता दें कि हरियाणा में भी जब योगी आदित्यनाथ ने ये जो है नारा दिया था बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे के बाद वहाँ पर भी काफ़ी पोलराइजेशन हुआ है ऐसा विपक्ष कहता है और उसी पोलराइजेशन का नतीजा रहा कि बहुत बड़ी संख्या में जहाँ पर बीजेपी को लेकर ये लोगों में ये तय कर लिया था कि बीजेपी इस बार हार रही है, लोगों के जहन में इस बात को लेकर खुद बीजेपी जो नेता थे वो इस बात को मान रहे थे कि हरियाणा में उनका नुकसान होता दिख रहा था, लेकिन आप देखिए कि लगातार तीसरी बार और इस बार पूर्ण बहुमत से बीजेपी ने वहाँ सरकार बनाया। ऐसे में योगी आदित्यनाथ की डिमांड महाराष्ट्र के चुनाव में भी काफ़ी बढ़ी और पिछले कई दिनों से लगातार योगी आदित्यनाथ रैलियाँ कर रहे हैं। आज भी योगी आदित्यनाथ की 3 रैलियाँ महाराष्ट्र में हैं, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की भी 3 रैलियाँ हैं जिनमें से 2 रैली हो चुकी है, अब एक पुणे में उनका छोटा सा रोड शो है और रैली है। तो लगातार ये जो नारे दिए जा रहे हैं चर्चा का विषय है, विपक्ष इसे एक तरह से पोलराइज करने की यानी ध्रुवीकरण की राजनीति करार दे रहा है। विपक्ष का मानना है कि हिंदू मुसलमान के तर्ज पर या हिंदू मुसलमान के बीच में एक तरह से वैमनस्यता निर्माण की जा रही है और उसी के तहत इस तरह के अलग अलग जो स्टेटमेंट्स, अलग अलग नारे बीजेपी द्वारा प्लांट किए जा रहे हैं ताकि लोगों में एक तरह से एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता निर्माण हो और वोटों का बंटवारा हो। लेकिन एक हमें इसका दूसरा पहलू भी देखना होगा कि जो मुस्लिम अलग अलग एनजीओज हैं, खासतौर पे मराठी मुस्लिम सेवा संघ हो गया या फिर हाल ही में एक हमने खबर भी चलाई कि कैसे उलेमा बोर्ड है जो महाराष्ट्र का, उसने कई डिमांड्स रखी और उसमें डिमांड उन्होंने आरएसएस पर बैन की भी रखी और उसके आधार पर महाविकास आघाड़ी को समर्थन देने की बात कही, जिसमें बाकायदा नाना पटोले का एक लेटर भी सामने आया जिस पर उनका हस्ताक्षर था, उन्होंने उन 17 मांगों के मानी थी जिसमें आरएसएस को बैन करने की भी बात थी।
इसके अलावा जो मुस्लिम संगठन जो एनजीओस है वो अलग अलग मुस्लिम बहुल इलाकों में जा रहे हैं, वहाँ पर वो सिर्फ महाविकास आघाड़ी को वोट देने की बात कर रहे हैं। तो पोलराइजेशन की अगर हम बात करें तो ये राजनीति दोनों पक्षों से हो रही है। बीजेपी इस पूरे मामले में खुलकर अलग अलग नारे देकर कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इस मामले में जो एनजीओ हैं उनका समर्थन लेकर या उनकी मांगों को मानकर उन्हें समर्थन देकर सरकार आने के बाद वो क्या कुछ उनके पक्ष में कदम उठाएंगे, चाहे वो 10% आरक्षण की मुसलमानों को देने की बात हो, फिर चाहे नीतीश राणे और रामगिरी महाराज को गिरफ्तार करने की बात हो, मुसलमानों को महाराष्ट्र में नौकरियों में तरजीह देने की बात हो, 15,000 रुपये मौलाना मौलवियों को देने की बात हो, आरएसएस पर बैन लगाने की बात हो, ये सारी जो मांगे उलेमा बोर्ड ने करी उस पर एक तरह से मुहर लगाई गई और उस पर अपनी हामी भरते हुए उनका समर्थन मांगा गया। हालांकि सरकार बनने के बाद क्या ये सारी मांगे पूरी हो सकती है, ये सवाल होगा, लेकिन इस तरह से वोटों का ध्रुवीकरण हो या वोट उन्हें ज्यादा मिले इसकी कोशिश दोनों पक्षों की तरफ से साफ दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तो बिल्कुल नारों के सहारे ही क्या नैया पार होगी, अभी दोनों जो मायूती है एमवी है दोनों कोशिश में तो लगी हुई है। अश्विन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस पूरी सियासत में अब पहले नारों की पॉलिटिक्स हुई, हमने फ्रीबीज की पॉलिटिक्स देखी, लेकिन अब बैग चेकिंग वाली सियासत का भी आरोप लगाया जा रहा है। चुनाव आयोग के बैग चेकिंग वाली सियासत पर फिलहाल ताजा अपडेट हम आपको देते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। दरअसल ईसी के बैग चेक करने पर यहां पर सियासत हो रही है। उद्धव ठाकरे ने मोदी शाह का बैग चेक करने को कहा। दरअसल कल चुनाव प्रचार के लिए यवतमाल पहुंचे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का एयरपोर्ट पर चुनाव आयोग के अधिकारी ने बैग चेक कर लिया था। तस्वीरें आप तब की देख पा रहे हैं। इसके बाद आज एक बार फिर से सोलापुर में चुनाव आयोग ने उनके हेलीकॉप्टर को चेक कर लिया, जिसे लेकर उद्धव ठाकरे भड़क गए। फिलहाल अब बैग चेक करने को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। अश्विन ये क्या मामला चल रहा है, अब ईसी ने बैग चेक कर लिया, पे हेलीकॉप्टर चेक किया और जो उद्धव ठाकरे हैं वो भड़क गए? जी देखिए, कल का जो वीडियो आया था उसमें उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से तल्खी दिखाई थी और नाराज़गी भरे लहजे में उन अधिकारियों कर्मचारियों से बात की थी और उन्होंने यहाँ तक कि कहा कि जो मेरा टॉयलेट पॉट है वो भी चेक कर लेना, इसके बाद बैग चेक करने के को लेकर नाराज़गी व्यक्त की और कहा कि क्या प्रधानमंत्री गृहमंत्री एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस इनके बैग उन्होंने चेक किए? तो जो कर्मचारी अधिकारी वहाँ मौजूद थे उन्होंने कहा कि अभी तक वो यहाँ पर नहीं आए हैं, यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनकी बैग और उनकी हेलीकॉप्टर को चेक किया जा रहा है या फिर जिस किसी भी रास्ते वो आ रहे हैं उनकी चेकिंग हो रही है। और ये चुनाव के दौरान बहुत आम बात है, जितने भी लोग यहाँ वहाँ ट्रैवल करते हैं, फिर वो चाहे गाड़ियों से करें जहाज से करें, आमतौर पर एयरपोर्ट पर कभी हम भी जाते हैं किसी चुनावी राज्य में तो वहाँ एयरपोर्ट पर भी लोग चेक करते हैं और कितना पैसा लेकर आप आए हैं, क्या कैश है आपके पास, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। इसी तर्ज पर चूंकि अब उद्धव ठाकरे से उनका बैग चेक किया जा रहा था तो उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त करी, तल्ख भरे लहजे में एक तरह से सॉफ्टली थ्रेटन करने की कोशिश भी इसमें दिखाई दी। जो अधिकारी कर्मचारी थे उनसे पूछा गया कि किस डिपार्टमेंट में आप हो, यानी कि ये जो अधिकारी कर्मचारी जाहिर है कि वो महाराष्ट्र में किसी अन्य डिपार्टमेंट में काम कर रहे होंगे, उन्हें चुनाव के दौरान क्योंकि चुनाव आयोग अलग अलग डिपार्टमेंट से लोगों को चुनाव के काम में जो है ड्यूटी पे लगाती है, ऐसे में उनका डिपार्टमेंट पूछना और सॉफ्टली एक तरह से थ्रेटन करना, ये जो है इसको जो एक्सपर्ट हैं वो मानते हैं कि एक तरह से धमकी है और इस पर कार्रवाई भी हो सकती है। अगर कोई इस तरह से थ्रेटन कर रहा है तो जो अधिकारी है वो उस पर शिकायत करे, लेकिन अगर शिकायत करेगा तो ही एक्शन होगा। और आज ठीक उसी तर्ज पर औसा विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए उद्धव ठाकरे पहुँचे थे तो आज कल का जो वीडियो था उसमें नाराज़गी ज़्यादा थी, लेकिन आज के वीडियो में स्ट्रैटेजी ज़्यादा जो है नज़र आ रही है, क्योंकि बहुत स्ट्रैटेजिकली उद्धव ठाकरे सारे जो लोग थे उनका नाम पूछ रहे थे, वो महाराष्ट्र से हैं ये समझ रहे थे, उनके अपॉइंटमेंट लेटर की मांग कर रहे थे। और आप देखिए जो कर्मचारी है चूंकि ये पूर्व सीएम रहे हैं एक बड़े कद्दावर नेता हैं, तो ऐसे में अश्विन कुल मिलाकर देखा जाए जैसा आपने बताया कि उद्धव ठाकरे को रास नहीं आया है, अब जिस तरीके से ये सियासी पारा चढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे नजदीक आ रही है चुनावी तारीख, अलग अलग रंग भी सियासत के देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल अश्विन इस पूरी जानकारी के लिए अपडेट देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, हम करते हैं अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे।